हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लाइव क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग साइन इन करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहाँ पे नीचे टाइमर चल रहा है, यहाँ पे स्कोर दिखाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर पार्किंग कर सकते हैं। पार्किंग मतलब क्या होता है, वहां पे पी लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरफ पार्किंग के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर चार देखिए, ठीक है, एरो दिखाया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आसानी से आप लोग टेस्ट को पास कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि यह रास्ता साइकिल के लिए ही है। कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता साइकिल के लिए ही है। तो यहाँ पे ये होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, देखिए साइकिल के लिए रास्ता है, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पेट्रोल पंप है। देखिए पेट्रोल पंप कहाँ पे छपा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर एक दिखेगा जहाँ पर पेट्रोल पंप टाइप से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहीं आपका पेट्रोल पंप है, ठीक है। ये पार्किंग के लिए है, यह टेलीफोन बूथ के लिए है, ये पार्किंग के लिए है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो है वह पेट्रोल पंप के लिए है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पर पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो तब हो आपको क्या करना चाहिए। जब कोई यात्री जो है, जब कोई व्यक्ति रोड को क्रॉस करना चाहता हो तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको गति वाहन को रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले, ठीक है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बीच में अंतराल है। बीच में अंतराल मतलब कि दो, मतलब सड़क के बीच में जो डिवाइडर बना होता है उसको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर तीन दिख रहा है कि सड़क के बीच में डिवाइडर बना हुआ है, ठीक है, डिवाइडर के साथ में यहाँ पे अंतराल बना हुआ है, ठीक है, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो आपकी कौन सी जानकारी उसके लिए सहायता प्रदान कर सकती है, जैसे कि ये होता है आपका प्राथमिक उपचार। क्या प्राथमिक उपचार, पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका प्राथमिक उपचार। अगला है कि मदपान करने वाला वाहन, मदपान करके वाहन चलाना क्या है। यह सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, किसी भी प्रकार के वाहनों में स्वीकृत नहीं है, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है कि आपको शराब पी करके वाहन को नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि यह जो चिन्ह दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो नीचे साइड में देखिए पतला है, आगे जा करके चौड़ाई बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। क्या है, आगे का रास्ता चौड़ा है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, आगे का रास्ता चौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। तो एक लाइन का मतलब होता है 100 मीटर, यदि दो लाइन है तो 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 100 मीटर की दूरी के लिए पूछा है और कौन सा है, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, ये आपका बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है। पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, ग्रीन कलर मतलब सही जवाब। अगला है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि जानवर गाड़ी निषेध है। जानवर गाड़ी देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार को देखिए, यहाँ पे बैलगाड़ी टाइप से बना हुआ है, इसको क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में आपको जानवर गाड़ी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर चार। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जिसमें मैंने 10 में से 10 नंबर प्राप्त किए हुए हैं। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से साइन इन करके देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए पहला प्रश्न है कि कौन सा चिन्ह ऊंचाई की सीमा को बताता है। ऊंचाई की सीमा को कौन बताएगा, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ऊंचाई नुमा कौन सा बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दो देखिए, ये ऊंचाई को दिखा रहा है कि 3.5 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई आपकी गाड़ी की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ग्रीन कलर हो गया, मतलब सही जवाब। नेक्स्ट है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हो यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए पहाड़ नुमा बना हुआ है और ऊपर से कुछ पत्थर टाइप से गिर रहे हैं, तो देखिए इसका कहाँ पे है, चट्टाने गिर रही हैं। ऑप्शन नंबर तीन को देखिए क्या लिखा गया है कि चट्टाने गिर रही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, चट्टाने गिर रही हैं। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा कि बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना, बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना क्या है? यह स्वीकृत नहीं है, बैंड की तरफ जाते तरफ ओवरटेकिंग करना स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि यह जो चिन्ह है इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पे देखिए साउंड के आकार का बना हुआ है जो शादी ब्याह में यूज करते हैं और इसको क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको हार्न बजाना मना किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है कि हॉर्न बजाना निषेध। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना होता है, वीडियो को देखते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? पी बना हुआ है, एरो बना हुआ है दाहिने साइड में, इसका मतलब क्या है कि दाई ओर पार्किंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो देखिए कि दाई ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यहां पर देख सकते हैं कि चिन्ह बना हुआ है जिसमें रोड आगे की तरफ जा रही है, फिर यहाँ पे बाएं तरफ मुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना बाध्यकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, आगे मुड़ना या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है। कौन सा चिन्ह बताता है कि यह पैदल पथ पार है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन। पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है हमारा कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह जो चिन्ह है यह बताता है गोल चक्कर को, यहाँ पे देखिए गोल नुमा बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर तीन, गोल घूमिए। पुष्टि करेंगे, सही जवाब है। अगला है हमारा कि यदि आप स्कूल को चिन्हित करता हुआ चिन्ह दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा कि वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है? पुष्टि करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है।